Hearing niggas just trying to miss what I said, Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, for a red dress on him. I'm the general, I can be worse than this. My soldiers is ready to put a... Hey guys, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का डिसलाइक बटन दबा डालो, क्योंकि आज की वीडियो का रिजल्ट शायद आपको पसंद ना आए। इसलिए शुरुआत में कमेंट करके बताओ कि स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट में कौन ज्यादा पावरफुल है। और वीडियो को एंड तक ठंडे दिमाग से देखने के बाद तक अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री हो जाएं तो फाइनली डिसलाइक की जगह वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा कंपैरिजन स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बीच। और हाँ, इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद इन्फिनिटी स्टोन्स, वरना एक दस्ताने मतलब ग्लव के साथ कुल्हाड़ी को कंपेयर करने का क्या फ़ायदा। तो गाइस बेसिकली इस कंपैरिजन वीडियो को बनाने का रीज़न है ये सीन। जहाँ थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर को फेंक कर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकलती हुई इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को चीर कर थैनोस के सीने को वैसे ही चीर दिया जैसे चाकू बैंगन को चीर देता है, तो यहाँ सब फैंस को ये लगता आ रहा है कि स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज़्यादा पावरफुल था और वो एस्कार्ड के किंग के लिए बना था, इसलिए वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स को आसानी से चीर पाया। तो इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज़्यादा ताकतवर है? क्या थैनोस ने जो गॉन्टलेट यूज़ किया था वो मेड इन चाइना था? ये सब जानने से पहले एक बार हम इन दोनों को सेपरेटली देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टॉर्म ब्रेकर की। तो गाइस स्टॉर्म ब्रेकर को थोर ने नीडा वैलियर में एक स्टार की एनर्जी से फोर्ज किया था और साथ ही वो एस्कार्ड के किंग के लिए बना था। स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करके थोर अपनी एनर्जी को एक काफी अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाता है, जिससे उसकी अटैक्स की एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके थोर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बना है ग्रूट के हाथ से, मगर स्टॉर्म ब्रेकर से लकड़ी भी काटी जा सकती है या नहीं, ये अभी तक एमसीयू में नहीं दिखाया गया। तो अब कुल्हाड़ी के बाद बात कर लेते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट की। तो गाइस बेसिकली इन्फिनिटी गॉन्टलेट में मौजूद इन्फिनिटी स्टोन्स क्रिएट हुए थे यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम पर, और हर एक स्टोन यूनिवर्स के एक बेसिक फंडामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि स्पेस, टाइम, सोल, माइंड, पावर और रियलिटी। इस वजह से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करके यूनिवर्स की रियलिटी को कैसे भी बदला जा सकता है। तो फाइनली स्टॉर्म ब्रेकर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कंपेयर करने से पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है कि क्या आप लोग एक सेपरेट वीडियो देखना चाहोगे कि कैसे हर एक इन्फिनिटी स्टोन ने अपना रोल शो किया था डेसिमेशन के वक्त। हर एक इन्फिनिटी स्टोन की कौन सी पावर्स को यूज करके थैनोस आधी पॉपुलेशन को गायब कर पाया था, कमेंट्स में बताना जरूर यार। आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या नहीं। मूविंग ऑन, अब फाइनली हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक बार फिर से इस सीन पर नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ और कुछ नहीं बल्कि ये है कि इस सीन में थोर ने थैनोस पर अचानक से हमला किया था। जब थोर ने थैनोस पर अटैक किया उस टाइम थैनोस ने जस्ट लास्ट इन्फिनिटी स्टोन को गॉन्टलेट में डाला ही था, और हमने एंड गेम में देखा ही था कि जब भी कोई गॉन्टलेट को जस्ट पहनता है तो उस गॉन्टलेट से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि गॉन्टलेट के यूजर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देती है। और इसी वजह से थैनोस थोर के अटैक को रोकने के लिए रेडी नहीं था। और इस चीज को अगर आप रियलाइज करना चाहते हो कि थैनोस ने यहाँ क्या फील किया होगा, तो अपने स्कूल का वो दिन याद कर लो जब टीचर ने सरप्राइज टेस्ट का बोला हो। इस सरप्राइज टेस्ट की वजह से थैनोस गॉन्टलेट की एनर्जी को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाया, और वैसे भी यहाँ थैनोस ने एनर्जी प्रोजेक्शन वाला अटैक यूज किया था, जो कि मेनली पावर स्टोन का फंक्शन है। और भले ही सभी स्टोन्स की पावर्स को ना सही, मगर स्टॉर्म ब्रेकर पावर स्टोन की एनर्जी को तो डिफ्लेक्ट कर ही सकता है। आप सपोज कर लो कि अगर हर स्टोन की पावर है 9 और स्टॉर्म ब्रेकर की 10, तो भले ही स्टॉर्म ब्रेकर किसी एक स्टोन से तो पावरफुल हो सकता है, बट अगर सभी स्टोन्स एक साथ आ जाएं, जैसा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के केस में है, तो स्टॉर्म ब्रेकर इस रेस में पीछे रह जाएगा। सिंपल सी बात है, 54 इज ग्रेटर देन 10। देखा तुम्हारे भाई की मैथ्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। बाय द वे, अगर थैनोस रेडी होता थोर के अटैक के लिए तो वो बाकी स्टोन्स का यूज करके वहाँ बच सकता था, जैसे कि टाइम स्टोन का यूज करके वो स्टॉर्म ब्रेकर को वापस उरु मेटल के टुकड़ों में बदल सकता था। स्पेस स्टोन का यूज करके वो स्टॉर्म ब्रेकर को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। अब भले ही स्टॉर्म ब्रेकर एस्कार्ड के किंग के लिए बना हुआ वेपन था, जो कि स्टार की एनर्जी में फोर्ज किया गया था, पर इन्फिनिटी स्टोन्स बिग बैंग के टाइम से मौजूद हैं, और इसी बिग बैंग से पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ।
जिसमें वो स्टार भी इंक्लूडेड था जिससे स्टोन ब्रेकर को फोर्ज किया गया। तो आप समझ ही सकते हो कि इन्फिनिटी स्टोन्स स्टोन ब्रेकर से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। यही सब रीजंस की वजह से ही मैंने अपनी MCU के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स वाली लिस्ट में स्टोन ब्रेकर को इन्फिनिटी गाउंटलेट से नीचे रखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी ओपन कर लो, और देख चुके हो तो फिर से ओपन कर लो, क्योंकि वीडियो का मेन टॉपिक तो पूरा हो चुका है। अब तो मैं बस लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बातचीत करने वाला हूँ। तो यार उम्मीद है तुम मेरे ओपिनियन से अब एग्री करते होगे कि इन्फिनिटी गाउंटलेट स्टोन ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है। अगर हाँ तो अब उस डिसलाइक को लाइक में बदल दो, वरना वीडियो डूब जाएगी यार। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 169 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग ये जल्द से जल्द कंप्लीट कर डालोगे। मार्वल के टॉप मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स यानी कि बियॉन्डर और लिविंग ट्राइब्यूनल के बीच सुपर शोडाउन देखने के लिए ऊपर वाली, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.